दोस्तों नमस्कार, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एंट्री करने जा रहे हैं। हम इस समय लखनऊ में हैं, हमारे पिताजी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका किडनी का इलाज चल रहा है, किडनी पेशेंट हैं। विगत 6 वर्षों से हम इसी हॉस्पिटल में पिताजी को अपने दिखवा रहे हैं। उनकी समस्याएं कुछ बढ़ गई थी तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। ये देखिए मेन एंट्री गेट है, इस गेट पर गार्ड खड़े हैं। इधर बाहर का दृश्य देखिए, ये रोड पार्टी पर जाता है, पार्टी चौराहे की तरफ जा कर के मुड़ जाता है और इधर ये हाईकोर्ट को जाता है रास्ता। इसी रोड पर मेन एंट्री गेट है, यहीं पर लोग आ जा रहे हैं। हम अस्पताल के अंदर चल करके आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि आपको डॉक्टर रामलाल लोहिया में इलाज करवाना है तो कैसे आना होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अस्तर का सबसे अच्छा अस्पताल है, साफ सफाई, डॉक्टर सभी उच्च कोट के यहाँ पर हैं और इसके 2 पार्ट हैं। ये जो सामने दिख रहा है पार्ट, ये सेमी गवर्नमेंट है और इसके बगल वाला इधर की जो बिल्डिंग है वो पूर्णतया सरकारी है। सारी सरकारी मेडिसिंस निःशुल्क यहाँ पर मिलती हैं, मेडिसिन अच्छी से अच्छी मेडिसिन यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। ये देखिए इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये पूर्णतया सरकारी है। तो आज हम आपको पहले प्राइवेट सेमी प्राइवेट या सरकारी संस्थान जो है जहाँ पर उच्च तकनीकी व्यवस्थाएं और बड़े ही कुशल डॉक्टर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर हैं, वो इस अस्पताल में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप गेट से एंट्री करेंगे जैसे मैंने एंट्री किया है, इसके बाद इधर रजिस्ट्रेशन हॉल की तरफ आपको हम ले चलते हैं। रजिस्ट्रेशन हॉल में अपना रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे और इधर ही OPD 2 भी पड़ता है। OPD 2 से होकर के हम लोग रजिस्ट्रेशन कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्किंग है यहाँ की, पार्किंग देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ जो आती हैं सब पार्क होती हैं और यहाँ पार्किंग स्टैंड है। इसका आपको चार्ज देना होता है, ये 20 रुपया लिखते हैं मिनिमम 3 घंटे का, लेकिन हर 3 घंटे पर इनका 20 रुपया बढ़ता जाता है। अगर आपने दिन भर यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दी तो 80 से 100 रुपये तक आपसे चार्ज करते हैं कि मेरी गाड़ी यहाँ पर आती है और मुझे 80 रुपये के आसपास इनको देना पड़ता है, कभी कभी 100 भी हो जाता है। ये आपका OPD आ गया, OPD से होकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये OPD 2 है, OPD 2 से होकर ही रास्ता आगे बढ़ जाता है। OPD 2 से होकर के देखिए उधर लिखा है OPD 2, देखिए बाय रोगी विभाग और OPD 2। यहाँ पर 3 OPD चलती है और 3 OPD में अलग अलग बीमारी के डॉक्टर बैठते हैं और सभी डॉक्टर बहुत ही भले और बहुत अच्छे थे। देखिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन हॉल नया बनवाया गया है, आज छुट्टी का दिन है इसलिए रजिस्ट्रेशन हॉल बंद कर दिया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन हॉल में ही आएंगे, सबसे पहले यहीं एंट्री करेंगे। ये देखो जो ताला भरा हुआ है, ये ताला खुलता है। आज 2 अक्टूबर है इसलिए आज छुट्टी है, आज ये ताला बंद है। इसके अंदर बहुत भारी भरकम भीड़ होती है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो सुबह 6 बजे तक पहुंच जाइए, 8-9 तक भी जा पहुँचिएगा तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अक्सर 10 बजे के आसपास सारे डॉक्टरों के काउंटर फुल हो जाते हैं और आपको 10 बजे के बाद जल्दी मिलता नहीं है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन हालाँकि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, डॉक्टर को बताइए और यहीं से आपको नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद में आप अपना इलाज संबंधित डॉक्टर के काउंटर पर जाकर के वहाँ बैठ जाइए, अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, डॉक्टर आपको देखेगा, आपकी आवश्यक जांचें लिख देगा, जांचें लिखने के बाद में आपको दवा भी दे देगा, उस दिन संबंधित डॉक्टर आपको दवा दे देंगे, उसके बाद आप अपनी दवा लीजिए। जांच के लिए अलग से आपको लाइन लगाना होगा, पहले आप बिल कराइए, बिल काउंटर पर जाकर के जब बिल कराएंगे तो आपको वहाँ पर सैंपल रखने के लिए डिब्बी दी जाएगी और उस डिब्बी के में सैंपल आपका इकट्ठा कर लिया जाएगा
फिर आप संबंधित काउंटर पर अपने सैंपल को जमा कर दीजिए। काउंटर पर जमा करने के बाद में आप अपनी दवाएं परचेज कीजिए। परचेज के लिए अलग से बिल आपको फिर से लाइन लगना पड़ेगा। कुछ दवाएं जो यहाँ पर अंदर उपलब्ध हो जाएंगी वो आपको भारी डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। हम फिर से OPD 1 की तरफ धीरे से चल रहे हैं। हमने आपको दिखाया रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ करके आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप अपने बीमारी के हिसाब से आपको डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और OPD 1, 2, 3 तीनों OPD में जहाँ पर आपका नंबर आता हो, डॉक्टर जहाँ पर बाहर लिखा रहता है कि इस OPD में कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, न्यूरोलॉजी आपका जो है OPD 1 में चलता है, आपका नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी ये दोनों OPD 2 में देखे जाते हैं, यानी कि आपके मूत्र संबंधी विकार न्यूरोलॉजी में, यूरोलॉजी में, किडनी संबंधी विकार नेफ्रोलॉजी में, मस्तिष्क संबंधी सरदर्द दिमागी समस्या आपका न्यूरोलॉजी में दिखाया जाता है। तो ये न्यूरोलॉजी OPD 1 में चलता है। इसके अलावा एक OPD 3 भी है, कुछ बीमारियों की के OPD वहाँ भी चलती है। हम फिर से OPD 1 की तरफ आ गए हैं। देखिए इस विशाल भव्य बिल्डिंग में OPD 1 ये मेन एंट्री गेट है। देखिए OPD 1, हालांकि यह छुट्टी है लेकिन OPD 1 खुला है। OPD 1 की तरफ से ही डॉक्टर तो नहीं बैठते हैं, लेकिन इमरजेंसी केसेस जितने हैं वो सब देखे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मरीज एडमिट करा रखे हैं। तो हम लोगों की एंट्री OPD 1 से होती है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ भी कुछ होते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर इमरजेंसी चीज़ों के लिए देख सकते हैं, इमरजेंसी सेवाएं के लिए यहाँ पर हमेशा रजिस्ट्रेशन होता रहता है। भर्ती और छुट्टी भी यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। और यहाँ पर जो काउंटर बने हैं, इधर न्यूरोलॉजी डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, और इधर जो है न्यूरो सर्जरी देखिए लिखा हुआ है, न्यूरो सर्जरी न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट। यहाँ न्यूरो संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर बैठते हैं। और इसके इस तरफ प्रसाधन बने हुए हैं। और यहाँ जो है गैस्ट्रो सर्जन यहाँ बैठते हैं, मेडिकल आंकोलॉजी का विभाग इधर है, मेडिकल आंकोलॉजी भी यहाँ देखा जाता है। डॉक्टर एस के मिश्रा जी का बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि आज छुट्टी है इसलिए आज कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलने वाला है। इस तरह से आप अपना जो भी इलाज है आप चाहिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप संबंधित OPD में चले जाइए, अपना पर्चा वहाँ जमा कर दीजिए, अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिए। डॉक्टर आपको देखेंगे, जो जरूरत समझेंगे वो जाँचें लिखेंगे। जाँच के लिए अलग से आपको बिल बनाना पड़ेगा, और डॉक्टर जब दवा लिखेंगे उसके लिए भी बिलिंग कराना पड़ेगा। बिल एक काउंटर बनेगा और दवाएँ आपको अलग मिलेंगी। ऐसे ही जाँच के लिए भी एक काउंटर है, जहाँ पर आप जाँच के लिए बिल बनवाएंगे और अलग से सैंपल देंगे, और उनके बताए निर्देश के अनुसार आपको रजिस्ट्री यहाँ पर आकर के उसका प्रिंट मिल जाएगा। जाँच के लिए भी अलग अलग विभाग हैं। यहाँ पैथोलॉजी है लेकिन एक्सरे अलग होगा, CT स्कैन आपका अलग होगा, MRI ये सब पीछे बिल्डिंग बनी है, वो सब जाँचें आपको पीछे बड़ी बिल्डिंग में मिलेगा। आपको आगे की बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे, आपको हम पूरा मेडिकल प्रोसेस क्या होता है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इलाज प्रोसेस क्या है, मैं अगले के वीडियो में आपको शेयर करूँगा। मैं आपको सारी जानकारी दूँगा, इतना ज़रूर बताऊँगा कि बेस्ट अस्पताल है, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट सुविधाएँ हैं, किसी तरह का यहाँ घूसपात नहीं चलता है। आपको बारीक प्रतीक्षा करनी होगी, उसी के हिसाब से आपका इलाज होगा। तो रस न कीजिए, अपने बारीक प्रतीक्षा कीजिए, दूसरों के लिए समस्या भी ना पैदा कीजिए। धैर्य से, पेशेंस से, जैसे आप परेशान हैं वैसे आके लोग यहाँ आके हैं तो परेशान होते हैं। तो गलत प्रयोग मत कीजिए, किसी को पैसा वैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सब काम नियमानुसार ही होता है। हाँ, सो सिफारिश कुछ चल जाता है जो जनरल है, हर पैसे में चलता है, उसके बिना नहीं चलता है, क्योंकि हमारा देश राजनेताओं से बहुत प्रभावित है। नेताओं की सिफारिश वगैरह हमने देखा है, अनुभव किया है कि कुछ लोगों का काम सिफारिश से होता है, लेकिन पैसे वाली बात तो यहाँ नहीं चलती है, क्योंकि मेरा अपना 6 साल का तजुर्बा है। तो डॉक्टर आपको बेस्ट मिलेंगे, थोड़ा सब्र करिए, आप शोर सिफारिश के चक्कर में पड़िए, ऐसा पढ़ने से आप दूसरों के लिए भी नुकसान दे देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियम का ही प्रयोग कीजिए, कानूनी रूप से आइए, इस गेट से एंट्री करके देखिए, मेन गेट की तरफ फिर से आ गए हैं। मेन गेट से एंट्री करिए, पहला काम सुबह जल्दी आइए, दूसरा काम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तीसरा काम संबंधित डिपार्टमेंट जाइए, चौथा काम डॉक्टर के लिखे हुए जाँचों के लिए लाइन लगाइए, जाँच के लिए बिलिंग करा लीजिए,
बिलिंग कराने के बाद में अपनी दवाएं लीजिए, अपनी जांच के सैंपल लीजिए, दीजिए समय समय पर डॉक्टर को, आप विजिट कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, आपका मरीज़ निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, खुशहाल होगा। तो आप देश की सबसे अच्छी सर्विसों में से, अच्छे अस्पतालों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहाँ पर एक से एक उच्च गुणवत्ता के डॉक्टर होते हैं, वहाँ आइए। ये देखिए, यहीं से पूरा बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है। इस बिल्डिंग में ये पूरा सेमी प्राइवेट है। दवाओं पर लगभग आपको आधी छूट मिलती है यहाँ पर, जो दवाएं मिल जाती हैं, जो दवाएं यहाँ नहीं मिलती हैं उसके लिए रेफ़र कर देते हैं, आपको बाहर भेजते हैं, बाहर के मेडिकल स्टोर हैं वहाँ 15-20% डिस्काउंट पर दवाएँ मिल जाती हैं। आप वहाँ पर किसी भी मेडिकल पर जाइए तो 15% डिस्काउंट तो लोग देते ही जनरली, अगर नहीं हो आपको दे रहे हैं तो आप दूसरे पास चले जाइए, दवाएं एक बार आप देख लीजिए, मिलवा लीजिए, गलत दवाएं ना लीजिए, क्योंकि कुछ मेडिकल वाले आपको गलत दवाएं देते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाहर मेडिकल पर लीजिए तो दवाओं को सही लीजिए, अच्छे मेडिकल से लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, अगर आपको संदेह थोड़ा सा भी है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए और दवाओं को चेकअप कराइए कि क्या आपको सही दवा मिल पाई है कि नहीं मिली है। बाहर 15-20% की छूट है और अंदर 50-60% की छूट दवाओं पर मिलती है। जो दवाएं आपको अंदर मिल जाएंगी वो अच्छी दवाएं भी होती हैं और उस पर छूट भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है। तो इस बिल्डिंग में दिखाने का ये प्रक्रिया है। किसी और वीडियो में हम आपको सरकारी बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। अभी हम यहाँ हैं, एक हफ्ते से हैं और आगे भी रहेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तब तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ, चाहे वो पर्यटन के बारे में हो, चाहे वो अन्य जानकारियाँ हों, चाहे बच्चों के विद्यालयों में शिक्षण कार्य के बारे में हो, योगा और व्यायाम के बारे में हो। मैं स्वास्थ्य पर पूर्णतः फोकस कर रहा हूँ कि हम और आप सब मिल करके स्वस्थ रहेंगे तभी इस देश को, इस समाज को खुशहाल और अच्छा बना पाएंगे, अपने परिवार और बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगे। इधर देखिए, दवा वितरण का काउंटर भी आपको मैंने दिखा दिया चलते चलते। यहाँ पर दवा वितरण होता है और यहाँ वितरण जो होता है वो केवल एडमिट मरीजों के लिए होता है। बाकी जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हम आपको पहले ले गए थे, दवा भी वहीं मिलती है और रजिस्ट्रेशन भी वहीं होता है सामान्य मरीज़ों के लिए, और जो भर्ती मरीज़ हैं उनके दवाओं की व्यवस्था यहाँ पर है। ये 24 घंटा चलता रहता है। और ये इधर जो सरकारी बिल्डिंग दिख रही है आपको, इस बिल्डिंग के मरीज़ों की दवाएँ यहाँ पर मिलती हैं, उस बिल्डिंग के मरीज़ों की दवाएँ, वहाँ पर दो फार्मेसी हैं वहीं पर मिलेंगी। आगे की जानकारी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम आपको फिर से दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस। बस आपसे फिर से निवेदन है कि एक बार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।